सो गाइस, योर होस्ट रज बटन बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो फिलहाल तो आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने गैप अप ओपनिंग तो दिखाई, बट वापस जो नीचे आया है वो कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा। और आज जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख सकता है, और वैसे ही कुछ कंसोलिडेशन नज़र आया। कुछ खासी मूवमेंट यहाँ पर नज़र नहीं आई है। यहाँ पर जो सपोर्ट है, सपोर्ट को यहाँ पर यह छू के वापस ऊपर आया। अगर निफ्टी जैसे एंडिंग में हमें बाइंग नज़र आई, तो ये बाइंग क्या कल का इशारा है कि कल वापस निफ्टी ऊपर जाएगा, पता नहीं। बट फिलहाल तो यहाँ पर हम थोड़ा ऑप्शन चेन देखेंगे कि क्या हाल चाल चल रहे हैं ऑप्शन चेन पे आज। तो फिलहाल मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि येस बैंक और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की ऑप्शन चेन की जो वॉलीटिलिटी है वो अलग है। येस बैंक में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, यहाँ पर बहुत कम है। क्योंकि अगर हम देखें तो येस बैंक में 1 लाख की राइटिंग भी बहुत बहुत कम है, बट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 1 लाख की राइटिंग भी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं कहूँगा कि वहाँ तो येस बैंक की मेरी एनालिसिस और यहाँ के एनालिसिस कंपेयर करना थोड़ा कंपेयर मत करना, तो मैं जब यहाँ पर कहूँगा कि ये ऐसा होगा तो वो इसके अकॉर्डिंगली कहूँगा, वहाँ पे कहूँगा तो वो उसके अकॉर्डिंगली कहूँगा। क्योंकि यहाँ पर मैथ्स थोड़ा अलग है, वहाँ पर मैथ्स थोड़ा अलग है, वहाँ का रेशियो अलग है, यहाँ का रेशियो अलग है। हर एक शेयर की एक अलग अलग बात होती है। तो फिलहाल तो यहाँ पर हम देखें तो 270 पे बहुत ज़्यादा राइटिंग नज़र आ रही है हमें कॉल साइड में। तो 270 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम वही पुट साइड में देखें तो यहाँ तो पुट साइड में इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। 280 की बात करें तो 280 पे पुट साइड में अनवाइंडिंग है, और 280 पे कॉल साइड में एडिंग्स हुए हैं। तो 280 भी एक रेजिस्टेंस बनते आ रहा है, और बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस बन गया है फिलहाल 280। 290 की बात ना ही करें तो अच्छा है, बट 290 भी बहुत एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। 300 तो एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो 300 बिल्कुल भूल जाओ, 300 बिल्कुल नहीं छुएगा, श्योर शॉट। 290 भी मुश्किल है, 280 भी मुश्किल है, 270 भी मुश्किल है। तो अब हम बात करेंगे नीचे के साइड की। तो 260 यहाँ पर फिलहाल तो 260 एक सपोर्ट तो है, बट ऐसा सपोर्ट है जो कभी भी टूट सकता है। तो 260 एक यहाँ पर सपोर्ट एज ए नज़र आ रहा है, बट ये टूटने की संभावना है। अगर 250 की बात करें तो 250 भी एक ऐसा सपोर्ट है जो कभी भी टूट सकता है। तो यहाँ पर अगर ऊपर की साइड देखें तो ऊपर इतना मुझे कुछ खासा जाने की संभावना नज़र नहीं आ रही, बट अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे ये जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर सारे मूविंग एवरेजेस टच होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब एक ही होता है कि एक तूफान के पहले की शांति है। तो एक यहाँ पर बहुत बड़ी अप मूव या डाउन मूव आ सकती है, और हम जैसे यहाँ पर ऑप्शन चेन में प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी डाउन मूव आ सकती है। आई एम नॉट श्योर, बट अगर अप मूव भी आई तो शायद ऐसी फॉल्स ब्रेकआउट की आ सकती है। जैसे यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट नज़र आया हमें, वैसे ही यहाँ पर वो अप मूव आ सकती है, अगर अप मूव आए तो। क्योंकि यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि सारे बेयर्स एक्टिवेटेड है, तो फिलहाल तो अगर यहाँ पर बहुत ऊपर ब्रेकआउट हुई तो गलती से भी बाइंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है और स्टॉक वापस यहाँ से आप बाय तो कर लोगे यहाँ से, बट वापस यहाँ से नीचे आ सकता है जस्ट लाइक दिस। तो अगर यहाँ पर नीचे जा रहा है तो शायद आप सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि नीचे की संभावना मुझे क्लियर नज़र आ रही है फिलहाल तो, बट अप मूव की बिल्कुल नहीं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। ड्रॉप द बॉम्ब।